सावधान हो जाइए। अगर कोई आपको रेलवे या विद्युत विभाग में सरकारी नौकरी लगाने का दावा करता है तो आप लाखों रुपयों की ठगी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि जयपुर पुलिस ने ऐसे एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने कई लोगों को अपना शिकार बनाते हुए लाखों रुपये ठग लिए। पुलिस के मुताबिक जयपुर के रहने वाले पीड़ित परमजीत ने जवाहरनगर थाने में एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें सत्यवीर चौधरी, जितेंद्र उर्फ जीतू और उसके एक साथी ने सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर करीब 22 लाख रुपये ले लिए, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी पीड़ित और उसके अन्य साथियों की नौकरी नहीं लगी। इस पर पीड़ित परमजीत ने तीनों से संपर्क किया तो उन्होंने अपना नंबर बंद कर लिया और फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित ने जवाहरनगर थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सत्यवीर, जितेंद्र और मनीष को गिरफ्तार कर लिया। ये जो जवाहरनगर में ठगी का मामला सामने आया है, ऐसा हुआ था कि एक परिवादी था परमजीत यादव, जिसने जवाहरनगर में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई FIR नंबर 228/19 के संविदा पे नौकरी लगवाने के लिए, जैसे कि कोई ये बिजली विभाग हो गया या चिकित्सा विभाग हो गया, यहाँ पे ठेके पे नौकरी लगाने के नाम पे। इससे तो स्वयं से 2.5 लाख रुपए लिए गए, परंतु इसके अलावा 8